गुड इवनिंग एवरीबडी वेलकम टू माई चैनल इनविजिबल ट्रेडर कल हमने कोई वीकली वीडियो मार्केट में बनाया नहीं था However, एक बार मैं आपको अस्ट्रो की टाइमिंग दे देता हूँ क्योंकि चार दिन अभी भी बाकी है नहीं एक्चुअली मई फर्स्ट को अपना छुट्टी है सो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है राइट सो दैट वैट दैट इज वाई यू माइट है लॉर्ड ऑफ डी इन द मार्केट so 30th April yes it is tomorrow market will will expire bank Nifty Nifty will still go for ठीक है no problem मोटा मोटा view market में जो है हमारा ये था कि Monday बारह बजे तक अपन buy रहेंगे twelve टू वन हमारा negative buy रहेगा one टू three thirty sell रहेगा थर्टियथ अप्रिल नाइन फिफ्टी टू वन थर्टी बाय है वन थर्टी टू थ्री थर्टी सेल है सेकेंड मे नाइन फिफ्टीन टू इलेवन बाय है उसके बाद रेंज बाउंडे फिर से बाय है थर्ड मे नाइन फिफ्टीन टू टेन थर्टी बाय है टेन थर्टी टू थ्री थर्टी सेल ऑन डाइज है दैट मीन्स फ्राइडे को बड़ा फॉल मिलेगा तो मिलना चाहिए ट्यूजडे भी एक अच्छा सेल है ये जो वन थर्टी टू थ्री थर्टी वाला सेल आपको दिख रहा है ना दिस ऑल्सो माइड बी ए गुड सेल अभी मैं इसका सिनारियो बताता हूँ आज वैसे एस्ट्रो ये जो पैच है ना वन टू थ्री थर्टी वाला सेल ये पैच मार्केट में थोड़ा सा गलत गया आ, दे देता तो आपको प्र, प्रॉब्लम हो जाती आइडियली पर निफ्टी में वैसे ज्यादा ऊपर नहीं गया था अगर आप देखोगे ट्वेल्व ओ क्लॉक मार्केट वॉज हियर अराउंड वैसे टू तो के बाद हमारा सेल था दिस वॉज वन थर्टी वन थर्टी में मार्केट अराउंड सिक्स हंड्रेड टेन मार्केट की क्लोजिंग अराउंड सिक्स हंड्रेड थर्टी फोर ट्वेंटी पॉइंट्स की ही मार्केट की जो है वो रेंज रही है इन लास्ट थ्री आवर्स जो भी व्यू मार्केट में मिला वो बायो एंड डिप्स का मार्केट मिला आ, YouTube वीडियो में मैंने बताया नहीं था आई डोंट नो ग्रुप में मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि फ्राइडे हमें एक फॉल दिखेगा राइट right? फ्राइडे एक फॉल दिखेगा फ्राइडे को भी हमने वीडियो बनाया नहीं था शायद फ्राइडे एक फॉल दिखेगा और फ्राइडे की डे एंड पे आप पी सेल कर सकते हो हमने थोड़ा सा रुकने की कोशिश करी क्योंकि वीकेंड बीच में था बट आज हमने बनाया यहां तक हमने लिया बारह बजे के आसपास हमारी जो बाइंग थी एक फिर ये वाला जो मोमेंट है ये बाइक हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि हमारा व्यू सेल का था तो बाई साइड का कोई पोजीशन बनाने का मतलब नहीं था जब मार्केट इतना ऊपर गया फिर उसके बाद और हिम्मत नहीं बनी कि पी बनाने की बट वी हैव मेड रीजनेबल मनी फ्रॉम यूर इट्स नॉट ए स्मॉल मनी इट्स अ सिक्स हंड्रेड पॉइंट का मूव ऑफकोर्स पी सेल में कैप्चर किया नो बाइंग पोजिशन टूडे एक चीज अगर आपको याद होगा ये मुझे याद है जो मैंने ग्रुप पे सॉरी यूट्यूब में बोला ग्रुप में भी बोला था मैंने ये लेवल आपको दिया था जब भी मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा दिस वन एंड इफ री एंड स्विंग हाई कट करेगा गुड अमाउंट ऑफ रैली ऑन दैट साइड का so, स्टॉप के साथ अगर आप मार्केट देखो कि ये फॉल exactly था हमारा एक फॉल एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेड फॉल वेनेसडे को था वो नहीं हुआ रीजन मैंने पहले भी आपको बताया क्यों नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ पे बुलट्राप था बुलट्राप होता तो करते बट एवरी डे सेलोन रई सेकेंड हाफ में एक बड़ा गैप डाउन हमेशा हमको दिखता है हम कैप्चर कर पाते नहीं कर पाते वो बात की बात है दैट दैट फॉल यू सीन ऑन थर्सडे और मार्केट अगर देखोगे ये लेवल को बिना तोड़े हुए मार्केट ऊपर ऊपर गया है राइट ना ये ये बताया था मैंने वीडियो में अगर आपको याद होगा तो बढ़िया बात है नहीं है तो आप रिव्यू भी करके देख सकते हो ये दोनों लेवल मैंने दिया था और मैंने बोला था ये एस्ट्रो लेवल ये जोन है राइट ये आप आगे के लिए भी रख सकते हो कभी भी अभी तो नहीं आएगा काफी टाइम लेगा बट फोर्टी सेवन थाउजेंड टू फिफ्टी के ऊपर कभी मार्केट नीचे गया दोबारा बता रहा हूँ ठीक है ऊपर साइड देता अभी नीचे साइड दे रहा हूँ रीटेस्ट करके अगर ये स्विंग लो काटा फोर्टी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड का लेवल आएगा ये ऑलमोस्ट नाइनटी नाइन परसेंट गारंटेड है बट ये इसको बनने दो बट ये लेवल्स बना के रखना ठीक है बाद में काम आएगा Now, ये हफ्ते के लिए जो व्यू आई है वो हफ्ते के लिए वीकली डू डाई लेवल इधर है मार्केट ऊपर ऊपर गया फर्स्ट रेजिस्टेंस काटा है सेकंड रेजिस्टेंस काटा है थर्ड रेजिस्टेंस मैंने बनाया नहीं था एक्चुअल नहीं बनाया था ठीक है तो मार्केट ना स्पेशली बैंक निफ्टी ओके okay, निफ्टी की बात में बात करते हैं बैंक निफ्टी में जब भी सेकेंड रजिस्टेंस बैंक निफ्टी में कटता है वीकली का ओके देर आर टू थिंग्स दैट है मार्केट अगर गैप अप हुआ तो मार्केट हंड्रेड परसेंट आपको ट्रैप देगा वैसे मार्केट है हंड्रेड परसेंट हम कुछ बोल नहीं सकते दैट कल मार्केट अगर गैप अप होता है इस तरह का रिएक्शन देता है थोड़ा सा ऊपर साइड जाता है ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है फिफ्टीन थर्टी मिनट्स का ओ आपको बनाना है जब भी मार्केट ओ काटेगा यू विल सी ए बिगफुलोर्टी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड तक का टारगेट एटलीस्ट आपका मिनिमम होना चाहिए याद रखना ये है सिनारी उसके बाद आप बाय कर लो कोई दिक्कत नहीं है बट यहाँ तक मतलब इसकी गारंटी नहीं दे सकता बट ये इसमें फॉल अच्छा हो सकता है ठीक है और जब भी हम देखते हैं बैंक निफ्टी सेकंड रेजिस्टेंस को काट के जाता है इतना इजीली ऊपर सस्टेन नहीं कर सकता अनलेस कोटाक बैंक जो इतना गिरा है वो रिकवर करने की कोशिश करे ठीक है देर इज अ ब्लाइंड सेल अराउंड फिफ्टी थाउजेंड का राउंड लेवल में राउंड लेवल है साइकोलॉजी लेवल है कभी भी मिलेगा आप सेल कर सकते हो ये फ्राइडे को मिलेगा तो भी सेल करोगे क्योंकि नेस्डे हॉलीडे थर्सडे को शायद मार्केट और ऊपर जाए मार्केट मार्केट ऊपर जाए, के लेवल में अगर मार्केट मिला फ्राइडे एक अच्छा ले सकते हो। sell, 700, 800 का सेल देखे बट उसको आने दो कल का सिनारियो याद रखना अप वाला मेरा जो प्रिफरेबल ट्रेड कल का है देखिए ग्लोबल मार्केट को लगता नहीं ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी हल्का सा पॉजिटिव में है मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा बट अगर हुआ तो मार्केट अगर गैप डाउन करता है अगर आपने बाई चांस पी लेके रखा हुआ है मॉर्निंग में ही आपको काटना है मार्केट जैसे ही इस लेवल के आसपास टच करेगा ठीक है आज का जो क्लोजिंग है ये दोबारा सेल देगा टारगेट हमारा यही रहेगा फोर्टी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड चाहे ऊपर से आए चाहे नीचे से आए कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद आपको टारगेट छोड़ देना वैसे ये स्मॉल फॉल नहीं है इट्स अराउंड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड पॉइंट का फॉल इट्स नॉट ए स्मॉल फॉल

बट सेल होना चाहिए था ये भी एक अच्छा सप्लाई था मार्केट में बट कल यहाँ पे ये सप्लाई आपका डिमांड बन जाएगा मार्केट चला जाएगा ऊपर सो फोर्टी क्या लेवल है इसकी 48, 48, के 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 आसपास ऊपर आप मार्केट के, नीचे आप मार्केट को देखना नहीं चाहिए मार्केट अगर कल गैप डाउन होता है तो मार्केट का मोटा मोटा रेंज ये होना चाहिए ये दोनों रेजिस्टेंस के बीच में इसके नीचे नहीं जाने वाला ओके फोर्टी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड मोटा मोटा टू फोर्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड पांच सौ पॉइंट का रेंज मार्केट में होना चाहिए इफ मार्केट गैप्स डाउन नो ओ ओआरबी के ऊपर डिपेंड करता है एट हंड्रेड से गिरा तो आपको सेवन हंड्रेड पॉइंट का भी फॉल मार्केट दे सकता है इजिली सेवन हंड्रेड से गिरा तो सिक्स हंड्रेड का फॉल टॉप से गिरा मतलब क्लोजिंग हाँ के सॉरी हाई के आसपास से गिरा तो सिक्स हंड्रेड पॉइंट का फॉल बट गैप अप का सीनारियो याद रखना सेकेंड रेजिस्टेंस का जब भी ओ आरबी कटेगा डे लो कटेगा डे लो ओके okay? कल का डे लो कटेगा मॉर्निंग में तब आप बड़ा सेल ले सकते हो ये सेकंड हाफ में भी आ सकता है क्योंकि फर्स्ट हाफ हमारा बाइंग है लास्टॉक तो अगर हम मैच करेंगे तो उसके हिसाब से मार्केट में गैप डाउन होना चाहिए मार्केट ऊपर जाना चाहिए और फिर मार्केट को सेल देना चाहिए दैट्स वॉट वी आर लुकिंग एट ओके तो सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर बाय देखो बाइंग में अभी जैसे मैं ग्रुप में भी बोला सेवेंटी टू एट्टी परसेंट हाई बैंक निफ्टी का ये वीक का हो गया है अनलेस ठीक है मार्केट कल बड़ा आप कंटिन्यू नहीं कर सकता इसको रिट्रेसमेंट देना जरूरी है अब किस लेवल पे रिट्रेसमेंट देना देता है देखते हैं एनीथिंग एवं फोर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स फिफ्टी सेवन हंड्रेड के लेवल के ऊपर मार्केट को एक रिट्रेसमेंट चालू करना चाहिए ठीक है तो बड़ा से लेने की कोशिश करना फिफ्टी थाउजेंड का जो लेवल है मैंने बनाया वो आइडियली थर्सडे के लिए फ्राइडे के लिए बनाया है नॉट फॉर टुमॉर ओके क्लियर बैंक निफ्टी निफ्टी देखो निफ्टी में ये लेवल कल का इंपॉर्टेंट है ये पिवट है ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव सेवेंटी फाइव के आसपास है ये जो बाय जोन है दिस इज द जोन दैट यू आर टॉकिंग जहाँ पे ये हल्का सा हेड एंड शोल्डर बना के ऊपर जाने की कोशिश किया था नॉट परफेक्ट बट मोटा मोटा इसकी नेक लाइन के आसपास आपकी बाइंग जोन होनी चाहिए हालांकि नीचे काफी मैंने दिया है इसका सपोर्ट फाइव ट्वेंटी और फाइव थर्टी पॉइंट का जोन दिया है मैंने बट ये फाइव हंड्रेड फिफ्टी के लेवल से अगर मार्केट आपको मिलता है तो मार्केट को एक बार ऊपर जाना चाहिए दैट मीन्स मार्केट कल अगर गैप डाउन होता है दो सिनेरियो होगा मॉर्निंग में ऐसे बाय मिलेगा फिर यहाँ से आप सेल कर सकते हो ठीक है मार्केट अगर मॉर्निंग में गैप डाउन होता है इज चीजें प्रिफरेबल सिनारी बट लगता नहीं होगा कि नहीं होगा वी डोंट नो बट इट्स अ प्रिफरेबल सीनारियो डेफिनेटली कल की आपकी जो लेवल होगी वही होगी ट्वेंटी टू थाउजेंड सिक्स सेवेंटी से ये हंड्रेड ट्वेंटी पॉइंट का रेंज आपका होना चाहिए गैप डाउन में ठीक है गैप अप में देर आर सिनारियोज लाइक दिस गैप अप में देखो गैप अप में अगर आपको सेल करना है वो बैंक निफ्टी बोलना भूल गया दोनों का सिनारियो सेम है गैप अप में अगर आपको सेल करना है तो इसको बुल ट्रैप देना पड़ेगा लो काटना पड़ेगा तब जाके आपको अच्छा सेल मिलेगा नहीं तो अच्छा सेल नहीं मिलेगा राइट मार्केट अगर उल्टा तो करता है जैसे गैप अप करता है यहाँ पे आता है रिकवर करके डे हाई कार्ड देता है तो मोटा मोटा आई नॉट बी सरप्राइज अगर निफ्टी कल 760 के आसपास भी पहुंच जाए 760 के बाद वन ओ क्लॉक के बाद क्योंकि सेल है हमारा थोड़ा सा हल्का सा स्विंग लो कटेगा तो हम फिर ये सेल ले सकते हैं इस तरह का ठीक है हुँ? ये याद रखना जो बोल रहा हूँ गैप अप में दो सिनेरियो सिनारियों है गैपअप होकर मार्केट पहले नीचे आता है या पहले ऊपर जाता है पहले अगर ऊपर जाता है फिर राष्ट्रो को इग्नोर करना है आपको सिर्फ डे लो का कटने का वेट करना है सेल के लिए लेवल को हाँ आश्रो इग्नोर करना बट अगर इस तरह का होता है तो आज काम करेगा मार्केट अगर गैप डाउन किया तो भी आश्चो मोटा मोटा मैच करेगा ठीक है क्लियर बाकी जो व्यू है बाद में देखेंगे सॉरी कल वीडियो बना नहीं पाता ये मेरा सिस्टम का ही दोबारा इश्यू था जहाँ पे जूम चला नहीं मेरा सॉरी फॉर दैट बट आई होप ये जो चीजें हैं ये आज जो मैंने बताई है थोड़ी बहुत आपको हेल्प करेंगी आइडियली कल मार्केट में पैसे बनाने के लिए ठीक है बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे थैंक यू वेरी मच गुड नाइट जय माता दी